2 मार्च को बजट सत्र में विपक्ष के हंगामे के बाद अजीत पवार ने बिजली कनेक्शन काटने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन सत्र के खत्म होते ही ठाकरे सरकार ने लोगों को एक बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक दिया है। बुधवार को महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र समाप्त होते ही ठाकरे सरकार ने बकाया बिजली बिल अदा न करने पर कनेक्शन काटने के मुद्दे पर यू टर्न ले लिया। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि महावितरण की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में बकाया बिजली बिल अदा न करने पर कनेक्शन को फिर से काटने के आदेश दे दिए गए हैं।